सिद्धू मूसेवाला कतल मामले च नामजद दोषियों की मानसा कोर्ट के पेशी सी पर किसी दोषी नू जेल अथॉरिटी वालों ना तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से ना ही फिजिकल तौर पर पेश किया गया। इस तहत मानसा की माणयोग अदालत ने वक्ो वक्रिया जेलों के अधिकारियों नू सख्त हदायत की है कि अगली पेशी से दोषियों नू पेश किया जाए। एडवोकेट सतिंद्रपाल मित्तल ने दसिया कि सिद्धू मूसेवाला केस च पेशी सी जिस विच दोषी जगदीप सिंह जग्गू भगवानपुरी अरशद खान कपिल पंडित पवन कुमार बिश्नोई ते नसीब दोषी ने उन्हां नू जेल अथॉरिटी वालों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए पेश किया गया सी। जो बाकी दोषी ने बलदेव सिंह निक्कू संदीप केकड़ा मनदीप सिंह राइया लारेंस बिश्नोई परवरतित फौजी मनप्रीत भाऊ मोनू डांगर प्रभदीप सिंह पप्पी कुलदीप केशव सचिन बिश्नोई सचिन चौधरी अंकित जंटी अंकित सेरसा चरणजीत सिंह चेतन बिट्टू दीपक मुंडी रजेंद्र जौकर जगतार सिंह सराज सिंह मनप्रीत दीपक टेनू इन सारे दोषियों को जेल अथॉरिटी वालों ना तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए ना ही फिजिकल तौर पर पेश किया गया। पिछली पेशी से कोर्ट वालों जेल सुपरटेंडेंटा आदेश होया कि वक्खो वक्खरियां जेलों बंद इन आरोपियों वीडियो कॉन्फ्रेंस या फिर फिजिकल तौर पर पेश किया जाए, पर पेशी से जेल अथॉरिटी वालों किसी को भी ना तो वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए पेश किया गया ना ही फिजिकल तौर पर। दूजे पास पिछली तरीक से कोर्ट के ध्यान में लिया गया कि मनमोहन सिंह मोहना के मनदीप सिंह तूफान की डैथ हो चुकी है, जिस संबंध में कोर्ट वालों इनवैसटीगेशन अफसर समन किए गए सन ताकि उन्होंने डैथ संबंधी वह स्टेटमेंट दे। इस संबंध में हौलदार जसकरण सिंह पेश हुए थे, उन्होंने वालों मनमोहन सिंह मोहना की डैथ संबंधी डैथ सर्टिफिकेट कोर्ट के पेश किया गया। सिद्धू मूसेवाला कतल मामले च नामजद दोषियों की मानसा कोर्ट के पेशी सी पर किसी दोषी नू जेल अथॉरिटी वालों ना तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से ना ही फिजिकल तौर पर पेश किया गया। इस तहत मानसा की माणयोग अदालत ने वक्खो वक्रिया जेलों के अधिकारियों नू सख्त हदायत की है कि अगली पेशी से दोषियों नू पेश किया जाए। एडवोकेट सतिंद्रपाल मित्तल ने दसिया कि सिद्धू मूसेवाला केस च पेशी सी जिस विच दोषी जगदीप सिंह जग्गू भगवानपुरी अरशद खान कपिल पंडित पवन कुमार बिश्नोई ते नसीब दोषी ने उन्हां नू जेल अथॉरिटी वालों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए पेश किया गया सी। जो बाकी दोषी ने बलदेव सिंह निक्कू संदीप केकड़ा मनदीप सिंह राइया लारेंस बिश्नोई परवरतित फौजी मनप्रीत भाऊ मोनू डांगर प्रभदीप सिंह पप्पी कुलदीप केशव सचिन बिश्नोई सचिन चौधरी अंकित जंटी अंकित सेरसा चरणजीत सिंह चेतन बिट्टू दीपक मुंडी रजेंद्र जौकर जगतार सिंह सराज सिंह मनप्रीत दीपक टेनू इन सारे दोषियों को जेल अथॉरिटी वालों ना तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए ना ही फिजिकल तौर पर पेश किया गया। पिछली पेशी से कोर्ट वालों जेल सुपरटेंडेंटा आदेश होया कि वक्खो वक्खरियां जेलों च बंद इन आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस या फिर फिजिकल तौर पर पेश किया जाए, पर पेशी से जेल अथॉरिटी वालों किसी को भी ना तो वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए पेश किया गया ना ही फिजिकल तौर पर। दूजे पास पिछली तरीक से कोर्ट के ध्यान में लिया गया कि मनमोहन सिंह मोहना के मनदीप सिंह तूफान की डैथ हो चुकी है, जिस संबंध में कोर्ट वालों इनवैसटीगेशन अफसर समन किए गए सन ताकि उन्होंने डैथ संबंधी वह स्टेटमेंट दे। इस संबंध में हौलदार जसकरण सिंह पेश हुए थे, उन्होंने वालों मनमोहन सिंह मोहना की डैथ संबंधी डैथ सर्टिफिकेट कोर्ट के पेश किया गया। सिद्धू मूसेवाला कतल मामले च नामजद दोषियों की मानसा कोर्ट के पेशी सी पर किसी दोषी नू जेल अथॉरिटी वालों ना तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से ना ही फिजिकल तौर पर पेश किया गया। इस तहत मानसा की माणयोग अदालत ने वक्खो वक्रिया जेलों के अधिकारियों नू सख्त हदायत की है कि अगली पेशी से दोषियों नू पेश किया जाए। एडवोकेट सतिंद्रपाल मित्तल ने दसिया कि सिद्धू मूसेवाला केस च पेशी सी जिस विच दोषी जगदीप सिंह जग्गू भगवानपुरी अरशद खान कपिल पंडित पवन कुमार बिश्नोई ते नसीब दोषी ने उन्हां नू जेल अथॉरिटी वालों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए पेश किया गया सी। जो बाकी दोषी ने बलदेव सिंह निक्कू संदीप केकड़ा मनदीप सिंह राइया लारेंस बिश्नोई परवरतित फौजी मनप्रीत भाऊ मोनू डांगर प्रभदीप सिंह पप्पी कुलदीप केशव सचिन बिश्नोई सचिन चौधरी अंकित जंटी अंकित सेरसा चरणजीत सिंह चेतन बिट्टू दीपक मुंडी रजेंद्र जौकर जगतार सिंह सराज सिंह मनप्रीत दीपक टेनू इन सारे दोषियों को जेल अथॉरिटी वालों ना तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए ना ही फिजिकल तौर पर पेश किया गया। पिछली पेशी से कोर्ट वालों जेल सुपरटेंडेंटा आदेश होया कि वक्खो वक्खरियां जेलों च बंद इन आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस या फिर फिजिकल तौर पर पेश किया जाए, पर पेशी से जेल अथॉरिटी वालों किसी को भी ना तो वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए पेश किया गया ना ही फिजिकल तौर पर। दूजे पास पिछली तरीक से कोर्ट के ध्यान में लिया गया कि मनमोहन सिंह मोहना के मनदीप सिंह तूफान की डैथ हो चुकी है, जिस संबंध में कोर्ट वालों इनवैसटीगेशन अफसर समन किए गए सन ताकि उन्होंने डैथ संबंधी वह स्टेटमेंट दे। इस संबंध में हौलदार जसकरण सिंह पेश हुए थे, उन्होंने वालों मनमोहन सिंह मोहना की डैथ संबंधी डैथ सर्टिफिकेट कोर्ट के पेश किया गया।